अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर वाइंड अप कर लिया था, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स 2.1 टू 2.5 मींस हाफ न्यूमेरिकल इसके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.1। A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. कि एक ट्रेन है वो 36 km per hour वेलोसिटी के साथ 10 seconds तक मूव करती है। Find the distance travelled by it. हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। वेलोसिटी क्या है हमारे पास 36 km per hour, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है, तो इसको किलोमीटर पर आर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करें तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। और जो पर आर है, पर आर का मतलब क्या है, ये जो माइनस वन है ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो आर है मींस के जो हमारे पास सेकंड्स हैं वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। वन डे में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब 36 इंटू 1000 मीटर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36000 डिवाइडेड बाय 3600। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको फर्दर हमने अपने सॉल्यूशन तक इसको यूज करना है। और टाइम कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रही है? 10 सेकंड्स में। और फाइंड हमने इसका डिस्टेंस करना है, मींस के एस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू वी टी। वी में हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके निकाली, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय टी। टी की वैल्यू क्या है? 10 सेकंड्स, तो यहाँ हम 10 सेकंड्स लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ गया 100 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास 2.1 का आंसर है कि जो एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड्स में मूव करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 100 मीटर जब उसकी स्पीड सॉरी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर होगी 10 सेकंड्स के लिए, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 100 मीटर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका इस लाइन का क्या मतलब है कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है जबकि वो रेस्ट पे थी, मतलब कि पहले वो रेस्ट पे थी, जब वो स्टार्ट हुई है फिर वो मूव करना स्टार्ट हो गई है। रेस्ट पे है तो इसकी क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो वी आई है वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो वो रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वो मूव करेगी फर्दर स्टॉप करेगी वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, कि वो 1 किलोमीटर तक मूव करती है 100 सेकेंड्स में। हमने फाइंड क्या करना है? विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अब हमने क्या फाइंड करना है? वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, कि उसकी स्पीड 100 सेकेंड्स तक कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो इनिशियल ही तो रेस्ट पे है, रेस्ट से मूव करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। और डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है? 1 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो कि है 1000 मीटर्स। और टाइम वो कितने टाइम में मूव करी है? 100 सेकंड्स में मूव करी है। हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी को, तो इसका सॉल्यूशन होगा हम यहाँ पे स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। एस इज इक्वल टू वी टी। वी की जगह हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है और टी साथ में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे जो कि है 1000 मीटर इक्वल्स टू वी आई है 0 मीटर पर सेकेंड, वो पुट कर दिया, प्लस वी एफ हमने फाइंड करना है तो वी एफ एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाई 2 इन टू टाइम क्या है हमारे पास 100 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब ये 100 1000 के साथ जाके यहाँ पे ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो इधर जाके हर 1000 के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू VF डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब 100 और 10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू VF बाय 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन गया 2 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू VF। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, 10 टू जार 20, तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किस लिए है, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी का यूनिट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास 2.3 न्यूमेरिकल जो है वो है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो 2.3 है, 2.3। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कि इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, इसको करेक्ट कर ले हम हाईलाइट के साथ। ये है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ये 1 है, दिस इज नॉट -2, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास -1 होती है, और यहाँ पे मिस्टेकनली 2 लिख दिया गया है, पर ये 1 है। क्लियर है? ठीक है। ओ, कार की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट, तो वो मूव कर रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड के लिए तक, कितने टाइम में, हाफ मिनट में। मीन्स के हाफ मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने यहाँ पे अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट वन तो ये कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, सेकेंड वन के वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है जबकि वो 30 सेकेंड्स में वो मूव कर रही है कार। इसका डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन भी उसने दी हुई है हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दी, टाइम हमें हाफ मिनट दिया है मीन्स के 30 सेकेंड्स, हमने फाइंड करना है उसका डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया उस टाइम में और उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT² ये जो इक्वेशन है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर ली है जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्दर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वी आई की वैल्यू हमारे पास 10 है और टी की हमारे पास वैल्यू 30 है प्लस 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन हमें 0.2 गिवन है और टाइम हमें 30 सेकेंड्स गिवन है, इसका स्केयर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी का स्केयर है तो 30 का स्केयर आ गया। फाइंड हम इसमें डिस्टेंस कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू 10 × 30 इक्वल्स टू 300 प्लस 1/2 एज इट इज, ये 0.2 जो है इसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/10 लिख लें या 0.2 लिख लें, एक ही बात है, और 30 का स्क्वायर हमारे पास 90 आ जाएगा। 300 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 90 डिवाइडेड बाय, तो ये बाकी क्या बच गया, 90 हमारे पास बच गया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें तो 90 बच गया। जब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड अप करते हैं 300 प्लस 90, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 390 मीटर। मीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो आ गया 390 मीटर। अब हमने फाइंड करनी है इसकी सेकेंड टर्म जो कि है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन भी हमने डिराइव कर ली हुई है अपने लेक्चर्स में जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
वी एफ इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू क्या है 10 प्लस ए की वैल्यू है 0.2 और टी हमारे पास है 30 सेकेंड्स। इसको 10 एज इट इज आ गया, 0.2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ गया, 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है उस कार की। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल 2.4। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि एक टेनिस बॉल है उसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ? 30 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि यहाँ पे एक बॉल थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल थी, इसको जब हिट किया तो ये एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक चली गई, ठीक है, उसको 3 सेकेंड लगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसको 3 सेकेंड लगे हैं, ग्राउंड से अपवर्ड गई है, ठीक। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है ये कितनी है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और वो यहाँ से ये जो बॉल है ये वापस आने में कितना टाइम लेगी, यहाँ तक इस पॉइंट तक आने में वो कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड गिवन है, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव कर रही है, मीन्स कि एक मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ वो मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। लेकिन जब कोई बॉडी ग्राउंड से अपवर्ड मूव कर रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। कंडीशन इसकी क्या है कि जब बॉल ग्राउंड से अपवर्ड मूव करेगी तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे उसने क्या हमें बताया कि जो टेनिस बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी जो कि है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और हमने फाइंड करना है इसमें डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स कि जो टाइम उसको ऊपर जाने में लगा और जो टाइम उसको नीचे आने में लगा, ठीक है, ये हमने उसका टोटल टाइम फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमने ए टी स्क्वायर पढ़ा है लेकिन एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम चीजें हैं, तो हम एक ही जगह पे यहाँ जी भी लिख सकते हैं सब। तो इस फॉर्मूले के साथ हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। s इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 30 है, टी की वैल्यू 3 है, प्लस 1/2 एज इट इज जी की वैल्यू हमारे पास जो कि गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड क्यों है? क्योंकि जो बॉल है वो ग्राउंड से अपवर्ड मूव कर रही है इसलिए माइनस आया, और जी टी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, 30 × 3 90 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आ गया और 3 का स्क्वायर 9। 90 माइनस 5 इंटू 9, 5 नाइन जा 45, 90 माइनस 45 90 माइनस 45 इक्वल्स टू 45 मीटर। टी क्या है? टाइम, टोटल टाइम जो है वो क्या है? टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रीच एट ग्राउंड, कि जो टाइम उसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा और जो टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगा, वो हमारे पास टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम को टी और स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम ही उसको नीचे आने में लगेगा, मीन के 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड्स जो कि हो गया हमारे पास, जब इसको ऐड कर लेंगे तो 6 सेकेंड्स बन गया, ये हमारे पास क्या है? टोटल टाइम। तो एक बॉल को ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में भी 3 सेकेंड्स लगे और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में भी 3 सेकेंड्स लगे, इसको ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम 6 सेकेंड्स आ गया, और वो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 3 सेकेंड्स में? 45 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। क्लियर है। अब लास्ट हमारे पास इस लेक्चर का न्यूमेरिकल आ जाता है 2.5। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 140 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक कार है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही,
कितनी है वेलोसिटी इसकी, 140 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट पे आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। डिसेलरेशन के साथ वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। सॉरी, डिसेलरेशन का यहाँ पे टर्म मैं आपको बताऊँ कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास पॉजिटिव आती है, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो उसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। फाइंड इट्स डिसेलरेशन के हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन इसमें एक हिंट है कि एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में होगा हमारे पास। डिसेलरेशन फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, कि एक कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उन्होंने कहा कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 140 मीटर पर सेकंड, कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स कि यहाँ कार है, यहाँ से वो मूव करेगी, स्टार्ट में मूव करेगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वो 5 सेकंड्स तक मूव करती है, यहाँ तक इसके 5 सेकंड्स बन गए, 5 सेकंड्स तक मूव की, ठीक है। फिर जो है मूव करते हुए वो उसकी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंची, तब वो रेस्ट पे आ गई। तो 5 सेकंड से लेके जब वो मूव की है कार अपनी रेस्ट तक आने में, तो उसको कितना टाइम लगा, उसको 10 सेकंड्स लगे, ठीक है। ये मैं एक डायग्राम बनाई थी ताकि आपको समझ आ जाए। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, इनिशियल है इसका पॉइंट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड आ गई। और टाइम इसको कितना रिक्वायर हुआ रेस्ट तक जाने के लिए, 10 सेकंड, तो यहाँ पे हम 10 सेकंड लिखेंगे। और फाइनल वेलोसिटी इसकी उसने गिवन है जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो टू फाइंड ए इज इक्वल ए फाइंड करना है हमने, सॉल्यूशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी की 40 है, डिवाइडेड बाय टाइम टी की वैल्यू हमारे पास 10 सेकंड्स है, तो 10 आ गया, 0 माइनस 40 माइनस 40 ओवर 10, इसको जब डिवाइड किया तो 4 आ गया, लेकिन 4 के साथ माइनस साइन आएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमारे पास डीसेलरेशन है, जो कि पॉइंट वन में हमने इसका फर्स्ट केस जो था, यहाँ पे हमने फर्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करनी थी वो डीसेलरेशन थी, और ये डीसेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव में होती है, लेकिन डीसेलरेशन हमेशा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होती है, तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है ये, तो ये हमारे पास आ गया डीसेलरेशन। अब हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस सेकंड में हमने क्या फाइंड करना है, उसका टोटल डिस्टेंस एस फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वह 40 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड्स, ठीक है, ये डिस्टेंस उसका हम फाइंड करेंगे। इसकी वेलोसिटी 40 है और इसका टाइम क्या है 5 सेकंड्स, एस वन इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी इंटू टी, एस वन इक्वल्स टू वी क्या है 40 मीटर पर सेकंड और टी क्या है 5 सेकंड्स, 40 इंटू 5 200 सेकंड, ये तो आ गया इसका S1। हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव करने में लगा और जितना डिस्टेंस यहाँ से जीरो तक मूव करने में लगा, यहाँ से इनिशियल से यहाँ तक, ये मीन्स कि यहाँ पे जो कर्सर है स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक जो है ये S1 है हमारे पास, इसको हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये S1 था, ये हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, उसको हम फाइंड करेंगे फर्दर। तो वी एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, वी एवरेज किसके इक्वल होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जो हमने S2 फाइंड करना है वो होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। S1 में हमने सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम कर लिया, लेकिन S2 में एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी में हम इसका फॉर्मूला ये वाला लिख देंगे, वी आई प्लस वी एफ बाई 2 इनटू टाइम। वी आई की वैल्यू हमारे पास 40 है, वी एफ हमारे पास 0 है, क्योंकि अब हम सेकेंड हाफ पोर्शन ले रहे हैं उस डायग्राम का, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे पास टाइम था वो 10 सेकंड्स था, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारे पास जो टाइम था वो 5 सेकंड था, और सेकंड हाफ में हमारे पास जो टाइम है वो 10 सेकंड्स है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो S2 किसके इक्वल होगा,
40 प्लस 0 इक्वल्स टू 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 40 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ जाता है, 20 के इक्वल, 20 इंटू 10 हो गया हमारे पास 200, और एस 2 है मीन्स के डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर आएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस एस है हमारे पास इक्वल्स टू कितने डिस्टेंस हमने फाइंड किए, दो डिस्टेंस एस 1 और एस 2, इन दोनों को एडअप कर लेंगे। एस 1 हमारे पास 200 निकला था और एस 2 हमने फाइंड किया है ये भी 200 है, दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 400 मीटर। आई होप कि आपको इन 5 न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।